जैसे ही बॉलीवुड का ड्रग का मामला सामने आ रहा है, एक के बाद एक जो है नए नाम सामने आ रहे हैं, और अभी इसी नाम में जुड़ चुका है विवेक ओबरॉय के साले साहब यानी कि आदित्य अलवा का नाम। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिंकी, आप सबका स्वागत है बॉलीवुड टीवी पर। दोस्तों, विवेक ओबरॉय के साले साहब आदित्य अलवा जो कि बेंगलुरु में रहते थे, उनके घर और दफ्तर पे जो है बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी खबर ये है कि वो घर से फरार हो चुके हैं। जब कन्नड़ इंडस्ट्री की रागिनी एक्ट्रेस जो है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनको 14 दिन की जो है हिरासत दी गई थी, उसके बाद आदित्य अलवा अपने घर से लापता हो चुके हैं, वो फरार हो चुके हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि पूर्व मंत्री जीवराज अलवा के जो है आदित्य अलवा बेटे हैं, और अभी इसी के साथ बहुत सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक भी बात आ गई है कि उनके रिसोर्ट पे भी छापेमारी हो चुकी है, क्योंकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है उस रिसोर्ट में जाया करते थे, वहां ड्रग्स की महफिल सजा करती थी। अभी इसके बारे में और भी जो सारी बातें हैं और बाहर आएंगी, और वही सारी बातें मैं आपके साथ वापिस लेके आऊंगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बॉलीवुड की ढेर सारी गॉसिप्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टीवी।